गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज से नवरात्रा प्रारंभ हो चुकी है और सभी को ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। नवरात्रि की माँ दुर्गा की स्तुति करें इस 9 दिन और दशहरा का पावन पर्व मनाइए, ठीक है। क्योंकि रेसिंग एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों, जिसके बारे में आप ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को आप लोगों के साथ बताने में बड़ा हर्ष उल्लास होता है कि इसमें सब कुछ अवेलेबल है। खुशी है, गम है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है। क्योंकि एक दिन भी रेस नहीं होती तो लोगों को बहुत ख़राब लगता है। कल कलकत्ता का कार्ड बना है और 6 रेस का कार्ड है। कार्ड बड़ा टिपिकल है। कलकत्ता की टिप्स देने से पहले आप सभी को बता दूं कि सभी को जैसे मालूम है ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस पेड टिप्स के चैनल के नाम से जाना जाता है और आज इंडिया का नंबर 1 चैनल है। जो भी बातें कहेगा रेसिंग में स्पष्ट कहेगा, सत्य कहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और सब आपकी भलाई के लिए ही कहता है। कोई भी चीज़ चाहता है कि यार सबका अच्छा हो और हमेशा से एक बात कहता हूँ कि रेसिंग पूरी लाइफ टाइम रहेगी। यहाँ पर नो सियोर शॉट, नो गन शॉट, नथिंग। हम अपनी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देते हैं और आज तक जितने भी है सब बोर्ड पे रही है और ऑल आर वेल हैप्पी पर्संस और हमारी टीम बहुत अच्छी है। सब लोग खुश हैं, सब लोग प्रसन्न हैं। हमारा मंथली पैकेज समाप्त होने वाला है और 2 दिन है। 28 को कलकत्ता उठी है, 29 को मैसूर और 30 को मैसूर। उसके बाद अक्टूबर में पूरे महीने रेसिंग रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड है ये सितंबर 30 तक रजिस्ट्रेशन करा लें और हमारा चार्जेस मिनिमम ही है और बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है। 3000 रुपीज़ पर मंथ है और पर डे का 500 रुपीज़ नए लोगों के लिए हो गया है, बट पुराने जो आज तक ले चुके हैं उनके लिए 300 ही पर डे का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भिजाइए, काम खत्म। आज के नहीं, हम एक दो दिन के टिप्सर तो है नहीं, काफ़ी टाइम हो गया और आपने मेरी सारी वीडियो चेक कर लेनी है कि रेसिंग जिसको नहीं आती है कार्ड पढ़ना, कार्ड पढ़ लीजिए। जिसको रेसिंग एक्सप्लेन हैंडीकैपिंग देखनी है वो पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हैंडीकैपिंग क्या है, रेसिंग को कैसे प्ले करना है, सब कुछ मैंने वीडियो में बताया है, किस कोई बात छुपाई नहीं। तो कलकत्ता का 6 रेस का कार्ड शुरू करते हैं। मेरा नंबर आपको ऑलरेडी हर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा और बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी करेंगे बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे और अच्छा ही करेंगे और हमेशा अच्छा दिया है। बट आज भी कहता हूँ नो श्योर सर, नो गन सर, नो कन्फर्म। यहाँ कुछ कन्फर्म नहीं है, रेसिंग है, कभी कुछ भी हो सकता है। बट बस ऊपर वाले को याद रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रखिए, छोटों से प्यार करिए और रेसिंग को एंजॉय करते रहिए। आज सारे लोग प्रसन्न हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में सभी का स्वागत है। अब आते हैं कलकत्ता की 6 रेस की टिप्स के ऊपर, ठीक है। और इससे पहले बीच में हम बात करेंगे कि कल आपने क्या दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जानने के इच्छुक होते हैं कि पुणे में क्या दिया था। पुणे में और हैदराबाद में मिलाकर के कल 8 रेसेस थी, 8-8 रेसेस थी। आपको बता दूँ हमारी दोनों ही रेस बहुत बेहतरीन गई और सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी खुश हैं। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। पहली रेस में हमने बोल दिया था कि यार ये रेस ना खेलें तो ही बेटर है पुणे की, क्योंकि इसमें 6 ही घोड़े हैं और आई थिंक फॉर्चुनेट सन बहुत अच्छा घोड़ा है और ये बिल्कुल बंद से अलग हटके ये विन भी मार सकता है, बट घोड़ा सेकेंड हो गया। सेकेंड रेस सबको मालूम है मार्केट किंग, हमने यूट्यूब पर भी बोला था मार्केट किंग ही रहेगा और किंग ही रहेगा, वो किंग था और 4 नंबर स्काई फॉल प्लेस में दिया था, बट वो 3rd हो गया। 1-2 की बैट छोड़ देनी ही बेटर रहती है रेसिंग में। 3rd रेस 7 नंबर ही सिंगल चॉइस थी, वो विन हुआ। 4th रेस, अब यहाँ मज़े की बात यह है कि हमने कल जो टिप्स दी थी, क्योंकि बहुत सोच समझने के बाद कि लोगों को भाव ज़्यादा मिले, 4 नंबर को प्लेस दी थी हमने, जबकि फेवरेट शायद 1 नंबर हुआ था और 4 की प्लेस दी थी। और 4 के भाव आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो टोट में भाव मिले हैं वो 2000 रुपये करीब प्लेसिंग लिए। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो आप लोग बुकिंग में खेलने वाले, क्या मिला मुझे नहीं मालूम, बट हमने कोशिश की है अब कि ऐसे भाव दें, क्योंकि हम 1st, 2nd, 3rd भी देते हैं लेकिन सिंगल चॉइस में भी ऐसे भाव दें ताकि लोग खुश रहे। फिर इसके बाद 5th रेस में भी हमने ऐसा ही एज इट इज़ 5 नंबर की प्लेस दी थी, उसके भी भाव 1.5-2 रुपये, 3 रुपये थे प्लेस के और प्लेस ही लिखा था हमने। और 6th रेस में भी ऐसा ही था, 6th रेस में सेम एज इट इज़। और 7th रेस में हमने जुकरेली, सभी को मालूम है जुकरेली आएगा, और लास्ट रेस में हमारी रेस पिट गई क्योंकि हमने 4 नंबर दिया था, 4 नंबर 6-7 कुछ हो गया, शायद 7-8 कुछ हो गया। बाकी 1st, 2nd, 3rd और फ्लूक में जो दिए थे वो वैसे ही आए, बट सिंगल वालों की बात कर रहा हूँ।
और रही बात हैदराबाद की, तो हैदराबाद में सभी को मालूम है कि हैदराबाद में मैंने आपको यूट्यूब पे भी बोल दिया था देख के खेलना, क्योंकि सभी लोग अच्छे सूरज करते हैं, अच्छे कभी कभी डुबा भी देते हैं, और ऐसा ही हुआ। पहली रेस में हमने 11 और 10 दो ही घोड़े दिए थे, 10 थर्ड हुआ और 11 विन हो गया। सेकेंड रेस में हमने भी एक नंबर को ही दिया था, बट बोला था दो ही घोड़े दिए थे, एक और पाँच, बोला था यार पाँच को खेल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको मालूम है यार डी सिल्वा दो घोड़े डाला है एक और दो, तो किससे ट्राई करेगा बोल नहीं सकते, क्योंकि 1-2 की बैट छोड़ देना ही बेटर रहता है। थर्ड रेस ऐसा ही था, हमने भी एक ही दिया था और पाँच दिया था, पाँच और एक दोनों ही बोर्ड आउट हुए। फोर्थ रेस हमने पाँच नंबर सिंगल चॉइस दिया था और वो विन हुआ। सेकेंड थर्ड में 7-1 थी, एज इट इज रिजल्ट हुआ। पाँचवीं रेस भी हमने 12 नंबर को बोला था कि ये बोर्ड पे आएगा, पहले देखा तो बोर्ड लास्ट था घोड़ा, बट सेकेंड हुआ। और उसके बाद छठी रेस में सेम एज इट इज 5 नंबर हॉर्स ऑफ वार हमने दिया था सिंगल चॉइस में प्लेस, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंगल चॉइस बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे भाव से प्लेस हुआ। और सेवन्थ रेस में 9 फर्स्ट चॉइस थी और 2 नंबर सिंगल चॉइस में थी, 9-8-2 तीनों ही एजिटिज थे क्योंकि 8 नंबर फ्लूक में था, तो ये भी बेस्ट हुई। और लास्ट रेस में हमने बोला ही था सूरज ही जीतेगा, 4-5 में गेम होगा और 4-5 हुआ और 1 ओके दोस्त फ्लूक में थी और 4 सिंगल चॉइस में थी। तो सारी रेस बता दी आपको, करीब करीब 13 रेसेस पास हुई, 12 रेसेस पास हुई है दोनों में, और बाकी 4 रेस सेकेंड थर्ड हो गई। ठीक है, अब आते हैं कलकत्ता के ऊपर। अब कलकत्ता में देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। नो डाउट जब भी 1-2 की बैट बनाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, और कलकत्ता भाव देने में बहुत एक्सपर्ट है। आप बहुत सारी टिप्स देखते होंगे, सब कुछ देखते होंगे, टीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस पे बिलीव करने के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली रेस में देखो इसोस बहुत अच्छा घोड़ा है, 1600 मीटर इससे पहले दौड़ा था घोड़ा, 1400 मीटर में फोर्थ हुआ है। नो डाउट अभी जॉकी और ट्रेनर किसी चीज़ को डाला नहीं है, अभी शूज़ भी नहीं डाला है कि एल्युमिनियम में जाएगा या स्टील में जाएगा, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस आया है, कार्ड बन गया है, तो ये घोड़ा एक बेटर है। दूसरा स्टार जूस सेकेंड हुआ है और ये भी घोड़ा बहुत बेटर है। और तीसरा मून आर्ट, ये भी बेस्ट है। तो आई थिंक मून आर्ट को बोल वाला फेवरेट देगा, क्योंकि अभी कार्ड नहीं आया है, फिर भी चॉइस भी नहीं आई है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लूक रहेगा वो रहेगा विस्परिंग ग्लास, आप नोट करके रख लें अभी से, 3 नंबर विस्परिंग ग्लास। सेकेंड रेस पे आते हैं, सेकेंड रेस बहुत अच्छी है, राउडी इज़ गुड हॉर्स, और मेरे ख्याल से ये फिर से जीतना चाहिए। और उसके बाद 5 नंबर भी अच्छा है, क्योंकि 1-2-1-2 की बैटे क्रिएशन ऑफ गॉड बहुत अच्छा घोड़ा है 5 नंबर। अभी जॉकीज का वगैरह का अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जॉकी देख के भी खेलते हैं, बट आई थिंक घोड़े को देखना बेटर होता है, क्योंकि 1-2 की बैटे है तो ये दो ही देख लें। थर्ड रेस